Good morning, students. Now we are proceeding toward our next topic, that is type of surfaces. So there are different type of surfaces like opaque surface, transparent surface, translucent surface, and some smooth and polished surfaces also. So firstly, we'll discuss about the opaque surfaces. Opaque surface absorb only some light. ओपेक सरफेस बच्चा हमारे पास ऐसे सरफेस होते हैं जो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर लाइट को क्या करते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. एज ओपेक सरफेस डोंट अलो द लाइट टू पास थ्रू देम और इट ब्लॉक्स द लाइट कम्प्लीटली. ओपेक सरफेस हमारे पास ऐसे सरफेस होते हैं जो लाइट को अलाउ नहीं करते और ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली मीन्स बिल्कुल भी उसे अपने में से पास नहीं होने देते, बिल्कुल लाइट का रास्ता, लाइट के पाथ को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. ओके, दीज टाइप ऑफ सर्फेसिज आर नॉन एज ओपेक सर्फेसिज. ओके, दैट डोंट अलो द लाइट टू पास थ्रू दैम. ओके, अब जब वो लाइट को अपने में से पास ही नहीं होने दे रही, देन हाउ दे विल एब्जॉर्ब इट, है ना, तो वो उसे एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे. दैट्स वाई ओपेक सरफेस एब्जॉर्ब ओनली सम लाइट. इसीलिए ओपेक सरफेस बहुत कम लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, अब लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहे, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज़ स्कैटरिंग. वो लाइट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर सकते हैं. सो इट्स स्कैटर मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. तो जितनी भी लाइट उनके तक आ रही होती है, वो सारी की सारी लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील, वुड एक्सेट्रा. सो बोथ द मटीरियल आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ द ओपेक सर्फेस. वुड एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल, है ना. ये वुड मेरे पास किसका एग्ज़ाम्पल है, ओपेक मटीरियल का एग्ज़ाम्पल है ना. तो यू ऑल नो दैट दिस डोंट अलो द लाइट टू पास थ्रू देम. अगर इस पे आकर मेरे पास लाइट पड़ रही है तो बिल्कुल भी उस लाइट को पास नहीं होने देगा. जितनी भी लाइट होगी, सारी की सारी लाइट को वो क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा. सो दैट मीन्स इट स्कैटर ऑल द लाइट. टाइप ऑफ सरफेस इज ट्रांसपेरेंट सरफेस. दी सरफेस अलो द लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली. ये हमारे पास ऐसे सरफेस होते हैं जो सारी की सारी लाइट को क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली पास कर देते हैं. दिस कम्प्लीटली वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, जितनी भी लाइट आएगी, सारी लाइट को ये कम्प्लीटली पास कर देते हैं. ओके, दैट्स वाई वी सी दैट ट्रांसपेरेंट surface transmit most of the light that falls on it and reflect only a little light. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो transparent surface है वो क्या कर देते हैं, transmit करते हैं सिर्फ सारी की सारी light को. okay, जो भी उसके ऊपर fall होती है. and reflect only a little light. reflect means जिस रास्ते से वो हमारे पास आ रही हैं, जिस मीडियम से वो लाइट हमारे पास आ रही है, उसी मीडियम में उसको वापस भेज देना. तो इट डोंट रिफ्लेक्ट द लाइट, इट ओनली पास द लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वी कैन से फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके, फॉर एग्जांपल प्लेन ग्लास शीट, है ना. प्लेन ग्लास अगर हम लोग लेते हैं तो किसका एग्जाम्पल होता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट सरफेस. आपने देखा होगा इन योर क्लासरूम ऑल्सो, इन विंडोज़ वी यूज़ ग्लास शीट, है ना. वो ग्लास शीट हमारे पास क्या करती है, जितनी भी लाइट बाहर से आ रही होती है, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इट पास ऑल दी लाइट. सी दिस इज़ अ ग्लास शीट. ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. जो भी लाइट मेरे पास वन साइड से आएगी, दूसरी साइड में उसे क्या कर देगा, ईजिली पास कर देगा. इट पास ऑल द लाइट कम्प्लीटली. आवर नेक्स्ट सर्फेस इज ट्रांसल्यूसेंट सर्फेस. ट्रांसल्यूसेंट सर्फेस डोंट अलो द लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, और इट अलो द लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शली. बच्चा ट्रांसल्यूसेंट सर्फेसेस हमारे पास वो सर्फेस होते हैं जो लाइट को कम्प्लीटली पास
नहीं करते, कम्प्लीटली पास नहीं करते, तो हम उसे क्या बोलेंगे? दैट दे अलो द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली. पार्शली मीन्स नॉट कम्प्लीटली. कुछ लाइट को पास करेंगे, कुछ लाइट को पास नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? देयर इज़ नो क्लियर इमेज ऑफ व्यू बियॉन्ड इट. तो अगर हमारे पास कोई ट्रांसल्यूसेंट सरफेस है, तो अगर हम एक साइड से दूसरे साइड में देखेंगे उसके, तो हमें कोई क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर, सन ग्लासेस, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल. ये मटीरियल हमारे पास हल्के से ब्लर होते हैं, जिसकी वजह से एक साइड से दूसरी साइड हमें क्लियर इमेज नहीं मिलती, और ये सारी की सारी लाइट को पास नहीं कर पाते. इट पास लाइट पार्शली. पार्शली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, दैट इट डोंट अलो द लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली. इज इट क्लियर टू यू? यू कैन सी दिस शीट ओवर इट्स फ्रेम. ओके, इस फ्रेम के ऊपर आप ये शीट देखो. ये मेरे पास कैसी शीट है? एक ब्लर शीट है, एक बटर पेपर है. ओके, और अगर इसमें से लाइट कम्प्लीटली पास नहीं होती, डोंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, और अगर हम एक साइड से दूसरी साइड इमेज देखेंगे, तो वो भी हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी. आप देखो, जिस पोर्शन में मेरे पास बटर पेपर है ना, वहाँ पे जो मुझे इमेज दिखाई दे रही है, दैट इज़ नॉट क्लियर. जबकि जहाँ पे मेरे पास पेपर नहीं है, वहाँ पे जो मुझे इमेज दिख रही है, दैट इज़ वेरी क्लियर. ओके, सो दीज टाइप ऑफ सर्फेसिज आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट सर्फेसिज. नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्फेसिज इज स्मूथ एंड पोलिश सर्फेसिज. स्मूथ एंड पोलिश सर्फेसिज सच एज शाइनी स्टेनलेस स्टील और अ मिरर रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. बच्चा, ये वो सरफेस होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, शाइन होती है. और कई बार हमने कुछ सरफेस को क्या किया होता है, पॉलिश किया होता है. ओके, तो ये हमारे पास जितनी भी लाइट इनके ऊपर आती है, ये उसे क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ओके, स्मूथ एंड पॉलिश सर्फेसिज आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर. तो ये हमारे पास बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं. जितनी भी लाइट इन पे फॉल होगी, सारी की सारी ये क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे. सच अ सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिज. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी लाइट इन पे फॉल करती है, सारी की सारी ये क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं. इसीलिए इन सर्फेसिज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिज. वी कॉल इट एज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिज. ओके, now you can see this image. In this image, this is a mirror and in front there is a flower. okay, तो जितनी भी light इस mirror पर आ रही है, ये सारी की सारी light को ये polish, ये shiny surface क्या कर रहा है, reflect कर रहा है. is it clear? so these are the type of surfaces about which we discuss. now we do a exercise so the things will be more clear to you. This is a type of activity. Okay, you have to perform that, and by your observation, you have to tick the answers. Okay, so first point is hold a copy upright. ओके, आपने क्या लेनी है, एक नोटबुक लेनी है और अपराइट पोजीशन में उसको क्या कर लेना है, होल्ड कर लेना है. ओके, प्लेस अ पेन बिहाइंड इट. उसके पीछे आपने क्या रख देना है, एक पेन रख देना. नाउ लुक फ्रॉम दी फ्रंट. और आपने फ्रंट से देखना है, कैन यू सी दी पेन? सो येस, द व्यू इज क्लियर. येस, बट द व्यू इज हेजी. नो, द पेन कांट बी सीन. ओके, सो इस करेक्ट ऑप्शन इज नो, द पेन कांट बी सीन. बच्चा देखो, अगर मैं किसी नोटबुक को ऐसे सीधे अपराइट पोजीशन में पकड़ लेती हूँ और उसके दूसरे साइड पे एक पेन रख देती हूँ, तो अगर मैं इस साइड से देखूँगी, तो दैट पेन इज़ विजिबल और नॉट? नो, दैट पेन इज नॉट विजिबल. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज नो, द पेन कांट बी सीन. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ रिप्लेस द कॉपी विद अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट और अ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन. कैन यू सी द पेन? बच्चा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट ले लूँ, लाइक अगर मैं इसकी जगह एक नोटबुक की शीट ले लेती हूँ, जिसके थ्रू मैं एक जगह से दूसरी जगह तक देख सकती हूँ, तो अगर मैं फिर एक साइड पे पेन रखती हूँ
और मैं दूसरी साइड से देखती हूँ तो मैं ईजिली उसको क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। ये देन माई ऑप्शन इज येस द व्यू इज क्लियर बिकॉज अब मुझे पेन दिखाई देगा। इज इट क्लियर? अगेन रिप्लेस द ग्लास शीट दिस टाइम विद द वैक्स पेपर। देखो यहाँ पे जो हमने मटेरियल लिया था वो क्या ली थी, पूरी की पूरी एक कॉपी ली थी, है ना। वो हमारे पास क्या था, ओपेक मटेरियल था। हमें पता है ओपेक मटेरियल में हम लोग एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते बिकॉज वो लाइट को पास नहीं करता, तो इसीलिए हमें पेन विजिबल नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट केस में हमने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलो द लाइट टू पास थ्रू देम, है ना, लाइक ग्लास शीट। अब हमें पता है विंडो से हम एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं अगर हमारे पास क्लियर ग्लास लगा हुआ है। ओके, तो इसीलिए हमें व्यू क्या था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। येस द व्यू इज़ क्लियर। बट अगर मैं उसकी जगह एक वैक्स पेपर ले लेती हूँ, है ना, वैक्स पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, बहुत धुंधला सा पेपर, ब्लर पेपर ले लेती हूँ, उस केस में जो व्यू मुझे दिखेगा दैट इज़ अ हेजी व्यू, है ना, वो व्यू मुझे दिखेगा बट वो क्लियर नहीं होगा। ओके, ब्लर इमेज मुझे दिखाई देगी। सो माई आंसर इज़ येस बट द व्यू इज़ हेजी। जो व्यू मुझे दिखाई देगा वो कैसा होगा, हेजी होगा, ब्लर होगा। इज इट क्लियर? देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द वैक्स्ड पेपर विद अ प्लेन मिरर। इस वैक्स पेपर को हटा के आपने अब क्या रख देना है, एक प्लेन मिरर रख देना है। कैन यू सी द पेन? अब हमें पता है मिरर के आगे अगर मैं पेन को रखूँगी तो वो मिरर के अंदर मुझे उसकी क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। सो माई आंसर इज येस द व्यू इज क्लियर। ओके, आई क्लियरली सीन द इमेज इन द प्लेन मिरर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज नाउ कीप द पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू सी द पेन? अगर मैं मिरर के आगे रख रही हूँ तो क्या मुझे पेन मिलेगा? येस ऑफकोर्स, येस द व्यू इज क्लियर। ओके, आपने बहुत बार मिरर के आगे पेन रखा होगा और वो पेन आपको दिखाई दिया होगा, है ना, तो दैट्स वाई येस द व्यू इज क्लियर। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज। होप द टाइप्स ऑफ सर्फेसिस इज क्लियर टू यू। Now our next topic is type of reflection. So bacha, there are two type of reflection. One is regular reflection, another is irregular reflection. Irregular reflection ko hum log diffuse reflection bhi bol sakte hain. Okay, we can call irregular reflection to diffuse reflection also. Okay, so firstly we'll discuss about the regular reflection. Okay, or we can say specular reflection on a smooth surface. Okay, these are both the different names but the same thing. Is it clear? Now see, what is regular reflection? When reflecting surface is smooth and well polished. Okay, जब मेरा surface क्या होगा, बहुत ज़्यादा smooth होगा और well पोलिश होगा। द पैलर रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैलर टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चा, दिस इज माई स्मूथ एंड पोलिश सरफेस। ये सरफेस मेरे पास कैसा है, स्मूथ और पॉलिश सरफेस है। तो मेरे पास लाइट रेज पैलरली क्या कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। दे ऑल आर पैलर टू ईच अदर एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो पैरेलली। ओके, लाइट मेरे पास पैलर फॉल कर रही है और पैलर ही इस सरफेस से स्ट्राइक करके क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है इन द सेम मीडियम। ओके, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? हियर द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मूव्स ओनली इन फिक्स्ड डायरेक्शन। अब आप देखोगे कि जितनी भी रेज मेरे पास, जितनी भी लाइट रेज मेरे पास इंसिडेंट हो रही हैं, वो सारी की सारी लाइट रे मेरे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, है ना, बट दे ऑल आर रिफ्लेक्टिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। सारी की सारी लाइट रेज मेरे पास एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन इन विच आवर सर्फेस इज polished and smooth and rays of light is falling from one side and after striking the surface it reflect back in the same direction. All the light rays are reflecting in the same
direction. Okay, so that's why it is known as regular reflection. You can see this mirror. Okay, this is a mirror and also the surface is very smooth and shiny. मेरे पास जो surface है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा smooth और shiny है. तो जितनी भी light rays बचा मेरे पास fall कर रही हैं वो strike होने के बाद इस surface से they are reflecting back. Parallelly, okay, parallel में they are falling and in parallelly they are reflecting, okay. और आप यहाँ पे observe करोगे कि reflection मेरे पास एक ही एक fixed direction में हो रही है, okay. Reflecting rays goes in the same fixed direction, okay. So this type of reflection is known as regular reflection. Next type of reflection is irregular reflection. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑन रफ सरफेस. बिकॉज रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चा हमारे पास कैसे सरफेस पे होती है, स्मूथ सरफेस पे. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास कौन से सरफेस पे होती है, रफ सरफेस पे. जब सरफेस हमारे पास कैसा होता है, रफ होता है, उस टाइम पे जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ दी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज डिफ्यूज रिएक्शन. इज इट क्लियर? Now see, when the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different direction. Such a reflection is known as diffuse reflection or irregular reflection. Bacha dekho, in this case our surface is rough, okay, that is not smooth or a plain or a shiny, no. देखो, या इस केस में हमारे पास हमारा सरफेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा रफ होगा. एंड द लाइट रेज आर फॉलिंग पैरेलली, ओके. लाइट रेज हमारे पास कैसे फॉल करेंगी, दे ऑल फॉल पैरेलली, ओके. पैरेलली ही वो हमारे पास क्या करेंगी, इस रफ सरफेस पे फॉल करेंगी. बट व्हेन दे रिफ्लेक्ट, दे डोंट रिफ्लेक्ट पैरेलली. बट जब वो रिफ्लेक्ट करेंगी ना, तब वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ओके. दे ऑल गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन. देखो, अब ये रेज आ रही है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज़ ऑल्सो कमिंग, बट दिस इज़ ऑल्सो गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस ऑल्सो गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो ऑल द रेज विल गो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन. इज इट क्लियर? सो इट इज़ लाइक दैट कि लाइट की रेज आएंगी तो हमारे पास कैसे, पैरेलल. बट जब वो रिफ्लेक्ट करेंगी तब वो पैरेलल नहीं होंगी, सारी हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे. लाइक सी, यहाँ पे मेरे पास एक रे आ रही है, ये इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इस साइड क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हियर एंड रिफ्लेक्टिंग दिस साइड. दिस इज़ कमिंग एंड रिफ्लेक्टिंग दिस साइड, ओके. सो दे ऑल आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. In such a case, no definite image is formed, but the surface become visible. बच्चा, in this case हमारे पास क्या होता है, कोई regular image form नहीं होती, because they all are going in different direction, है ना. But due to this हमें चीज़ें दिखनी क्या हो जाती हैं, start हो जाती है. The things will become visible because of irregular reflection. Thus, diffuse reflection makes non-luminous objects visible. इसीलिए non-luminous objects हमें क्या हो जाते हैं, visible हो जाते हैं, okay? It commonly known as scattering of light. इसे हम और क्या बोलते हैं, this phenomena is also known as scattering of light. Because all the light which is falling that is scattering to the different direction, okay. Different direction mein light hamare paas kya ho rahi hai, scatter ho rahi hai. I already told you that due to diffuse reflection that we are able to see object around us. Diffuse reflection ki wajah se hi hame apne around ki cheeze dikhni start ho jati hai, okay. The non luminous objects jinki khud ki koi light नहीं होती, ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दे ऑल बिकम विजिबल टू अस.